बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का दिल एक बार फिर से डूबा है दर्द में। जी हाँ, एक बार फिर से अमिताभ बच्चन शोक में डूबे हैं। एक बार फिर से आंसुओं का सैलाब अमिताभ बच्चन की आंखों से बहा है। और ये एक बार फिर शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर इमोशनल समा बना है। इस बार 14 जून की तारीख को हमेशा के लिए चल बसे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ। उनसे पहले ही अमिताभ को छोड़ गए उनके प्यारे मित्र ऋषि कपूर और शानदार अभिनेता इरफान खान के निधन को लेकर। काफ़ी शोक जो बॉलीवुड में रहा, वही शोक अमिताभ बच्चन को लेकर यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि फैंस के लिए तकलीफ दे रहा। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन काफ़ी इमोशनल हुए सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर और इरफान खान को याद कर। शो कौन बनेगा करोड़पति क्विज शो के एक मोमेंट में इरफान खान ऋषि कपूर के साथ तो स्क्रीन शेयर कर चुके हैं अमिताभ बच्चन। पीको फिल्म में इरफान खान के साथ तो ऋषि कपूर के साथ एक से बढ़कर एक फिल्मों में किया अमिताभ ने काम। आखिरी फिल्म थी उनकी साथ 102 नॉट आउट, जिसमें पिता बेटे का रोल इन्होंने निभाया। लेकिन बात सुशांत की हो तो छोटी उम्र के अभिनेता सुशांत के निधन को लेकर भी अमिताभ बच्चन काफ़ी भावुक हुए। ऐसे में आपको जानकारी देना चाहेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में बीते बुधवार को कुछ रिएक्शंस थे, उस पर चर्चा हुई। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने शो कौन बनेगा करोड़पति में अपने कंटेस्टेंट से पूछा अंग्रेजी मीडियम को लेकर जो सवाल था उसका जवाब देते हुए। जब उनसे पूछा गया तो वो काफ़ी भावुक हुए। इसके अलावा बात की जाए अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन ने शो में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी भावुक होकर दर्द बयां किया। जी हाँ, अंग्रेजी मीडियम से लेकर ऋषि कपूर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म तक को लेकर अमिताभ बच्चन ने बताया कि ये साल ट्रेजिक इंसिडेंट से भरा था। टैलेंटेड आर्टिस्ट ने जिंदगी से हमेशा के लिए नाता तोड़ा। अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा, ऋषि कपूर जी, सुशांत सिंह राजपूत, इनके बारे में बात कर तकलीफ होती है, दर्द दोहरे हो जाते हैं और शब्द नहीं होते हैं इनके बारे में कहने को। अमिताभ बच्चन काफ़ी भावुक हुए। अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा कि वाकई में ये साल इसलिए भी तकलीफ दे हैं क्योंकि हम उन्हें दोबारा नहीं दे सकते। जो गलत हुआ उसे भी ठीक नहीं कर सकते, और ये गलत हुआ, सुशांत बहुत छोटे थे उम्र में। वैसे आपको बता दें, 29 अप्रैल की तारीख को पहले इरफान खान का निधन हुआ था और इसके बाद ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल की तारीख को। दोनों ही हॉस्पिटलाइज थे मुंबई में और दोनों ही कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। दोनों को श्रद्धांजलि सुशांत सिंह राजपूत ने भी अर्पित की थी, लेकिन जब सुशांत गए तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अमिताभ काफ़ी इमोशनल हुए सुशांत का नाम लेकर। वैसे आपको बताना चाहेंगे, अमिताभ बच्चन इससे पहले कोरियोग्राफर सरोज खान के निधन को लेकर भी भावुक हो गए थे। जी हाँ, और तो और आपको बताना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा भावुक होकर बहुत इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन ने। एक सवाल किया था, किस एक्टर की आखिरी फिल्म थी अंग्रेजी मीडियम? ऑप्शन थे ऋषि कपूर, श्रीदेवी, इरफान खान और गिरीश कर्नाड। इसी का जवाब इरफान खान था। खैर, गुजराती टीचर ने अच्छा जवाब तो दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कहा अंग्रेजी मीडियम होमी अदाजानी ने डायरेक्ट किया था। इरफान खान, राधिका मदान, दीपक दोबरियाल इसमें लीड अभिनेता का रोल निभाते नजर आए थे। और 13 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ हुई। बदकिस्मती से 29 अप्रैल को इरफान साहब हमेशा के लिए चले गए। वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्ट थे, इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफदेह मोमेंट था। साल 2018 में न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से जूझते हुए इरफान खान ने अपना इलाज लंदन में कराया, लेकिन 2 साल तक जिंदगी के लिए जंग लड़ते रहे इरफान खान नहीं रह सके। वहीं सुशांत की बात की जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे सुशांत।
अब तक रिपोर्ट ये कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज़्यादा लॉकडाउन में नेगेटिव थॉट्स की वजह से पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए थे, लेकिन इस बात की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई क्यों किस तरह से उनकी ज़िंदगी में ऐसे तूफान आए कि रातों रात उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। हमेशा हंसते रहने वालों के लिए करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाले सुशांत ने अमिताभ बच्चन का भी दिल जीता। अपनी फिल्म MS धोनी से अमिताभ बच्चन को उन्होंने रुलाया था। अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो हमेशा उन्हें याद करेंगे। वैसे आपको बताना चाहेंगे शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के सेट पर अमिताभ बच्चन को हाल ही में एक रिक्वेस्ट किया गया। मनीष पॉल जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि वो उनसे मिले। इसके अलावा अमिताभ बच्चन हाल ही में काफ़ी भावुक हुए थे एक छोटे से बच्चे को देकर। वैसे अमिताभ बच्चन के लिए दीवानगी भी कम नहीं है। जी हाँ, आदम कद प्रतिमा पाषाण से बना रहे आदम कद प्रतिमा की हम बात करेंगे जो अमिताभ बच्चन के लिए दीवानगी है। फैंस की सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन के बारे में अक्सर बात होती है। अमिताभ बच्चन की पहचान ही कुछ ऐसी है, लेकिन यहाँ आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में किस तरह से अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा अलग तरीके से लोगों के बीच फैंस का प्यार बटोरते आए हैं। अमिताभ बच्चन के लिए एक प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत से तैयार की गई है जिसे देख आप भी भावुक हो जाएंगे। जी हाँ, प्रतिमा को काला शिल्प एवं डिज़ाइन विकास केंद्र बैजा ताल पर शिल्प का दीपक विश्वकर्मा नानक मोहर पाषाण से बिल्कुल आत्मगत प्रतिमा बनाने के लिए खुशी से राजी हुए। वैसे आपको बताना चाहेंगे दीवानगी अमिताभ के लिए सिर चढ़कर लोगों को बोलती है, वही अमिताभ के सिर चढ़कर दीवानगी सुशांत के लिए भी बोली थी जब सुशांत MS धोनी फिल्म में नजर आए थे। वैसे अमिताभ की प्रतिमा की बात हो रही है तो अमिताभ बच्चन को लेकर लोगों ने तमाम तरह से ट्रॉल किया। ड्रग कंट्रोवर्सी में अमिताभ बच्चन को ट्रॉल किया गया। सुशांत मामले में CBI केस में उनकी चुप्पी की वजह से उन्हें ट्रॉल किया गया। जया बच्चन के थाली विवाद में भी उन्हें एम्बैरेस किया गया। फिर भी अमिताभ लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं। 2000 किलो वजन वाले पत्थर से अमिताभ बच्चन की प्रतिमा तैयार की जा रही है जो 8.5 फीट ऊँची है और 2 फीट मोटी है। 2 महीने का समय इस प्रतिमा को बनने में लगेगा। ये कहा जा रहा है कि इस प्रतिमा के लिए सब बहुत ज़्यादा भावुक हैं और अमिताभ तो ज़रूर रो पड़ेंगे। 3 फीट चौड़ी इस प्रतिमा को लेकर अमिताभ ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा प्यार उन्हें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति रिपोर्ट।